मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक नई पहल की गई। निगम की तरफ से राजधानी भोपाल के होटल अशोका, होटल पलाश और होटल विंडन वेव्स में अनाथ आश्रम के बच्चों और वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को निशुल्क भोजन कराया गया। इस मौके पर बच्चों को, बुजुर्गों को तोहफे भी दिए गए। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन स्थापना दिवस के अवसर पर भोपाल के विंडन वेव्स होटल में अनाथ आश्रम के 60 बच्चों को भोजन कराया गया। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे सभी बच्चों को टीका लगाकर माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद बच्चों के साथ केक काटकर पर्यटन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बाल निकेतन के बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। बच्चों ने इस कार्यक्रम में खूब इंजॉय किया और भोजन का खूब लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम के MD डॉक्टर टी लैया राजा ने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस के अवसर पर आज हमने बच्चों को भोजन करवाया है, साथ ही उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए हैं। आज मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा संचालित होटल में 20% की छूट भी दी गई है। जगह पे ना इस प्रकार का हम लोग उनकी आशीर्वाद से ना नेक्स्ट ईयर को ना शुरू करने के लिए ना ये प्रयास किया गया। वैसे इन लोगों को देखते हुए हमें ही खुशी है, हमको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये पर्यटन विकास निगम को है ना अपना गतिविधियों के ना और गति मिलेगी इनके ना ब्लेसिंग के माध्यम से। सो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे एक्टिविटी है, पर्यटन विकास निगम हमेशा ना जनता से, सभी लोगों से जुड़ते हुए ना काम करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करते हुए काम करता है। उसको अनुभव है ना और बेहतर कैसे हो सकता है उस दिशा में ना काम करता है, इसलिए इस प्रकार का गतिविधि डेफिनेटली आवश्यक है। आज है ना कितने भी है ना कैटरिंग है उसमें 20% डिस्काउंट है ना दिया गया है। उसके साथ हमारी लाइट एंड साउंड शो है उसमें निशुल्क एंट्री दिया गया है। सैर सपाटे में आज है ना फ्री एंट्रीज है। कितने भी बच्चे आ रहे हैं उनको ना गिफ्ट है ना सभी यूनिट्स में ना देने के लिए ना हमने आज ना प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम के MD डॉक्टर टी इलैया राजा ने बताया कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र लेक की प्रिंसेस क्रूज का संचालन काफी दिनों से बाधित है, जिसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए भी हम कदम उठा रहे हैं और जल्द से जल्द क्रूज को भी लेक व्यू पर चलाया जाएगा। हम लोग लगातार अदर साइड से हमारी वाटर स्पोर्ट्स के ना मतलब गतिविधि है वहाँ भी कर रहा है, जैसे यहाँ की बोट्स है सरसी आइलैंड में जल्दी ही एक वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है ना मतलब है ना शुरू होने जा रही है। यहाँ है ना पेडल बोट्स है ना डेफिनेटली अवेलेबल है। हम इको टूरिज्म बोर्ड के साथ भी है ना मिल करके और बेटर एक्सपीरियंसेस है ना हमारे ना बड़े तालाब में भी कैसे दे सकते हैं विद इन रूल्स के अनुसार, मतलब उसमें हम प्रयास करेंगे। वहीं बाल निकेतन की संचालिका रेखा तिवारी ने भी पर्यटन विकास निगम की खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का उत्साह बढ़ता है, उन्हें पर्यटन के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को साल में एक बार आश्रम के बच्चों को पर्यटन पर ले जाना चाहिए। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस ने ये जो कार्य किया है, जो समिति ने सब किया है, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इन बच्चों को पर्यटन या इससे संबंधित बहुत चीजों का कम ज्ञान होता है। जनरली बाहर जो फैमिली वाले बच्चे हैं वो तो साल में 2 या 3 टूर जाते ही हैं, ये बच्चे बहुत कम जगह जाते हैं। और आज जो किया है पर्यटन उस पे, वो तो मतलब खुशी हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। और बच्चे भी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, और इवन उनको ये लगा कि आज हम VIP गेस्ट हैं, उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ जो एंट्री हुई है, बच्चे खुश हो गए हैं। यही है कि साल में एक ऐसी टूरिस्ट जो विभाग है वो कहीं ना कहीं बच्चों को एक एक टूरिस्ट कम MP में तो करवा ही दें सब जगह एटलीस्ट। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।